ज्यादा सैर करना भी जो है घुटनों के दर्द में बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, कि जो टांगे होती हैं वो सी की तरह अंदर को मुड़ जाती हैं, जिसके कारण जो है उनकी कमर में भी तकलीफ रहनी शुरू हो जाती है। आपको थोड़ी डाइट अपनी चेंज करनी पड़ेगी, कुछ सिकाई जो है आपको बताई जाएगी और अपने घुटने के दर्द से आप निजात पा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा लुधियाना। आज मैं आप सबके साथ नी पेन यानी घुटनों के दर्द के बारे में डिस्कस करूंगी। अक्सर कई बार कई लोग जो होते हैं घुटनों के दर्द में जो है बहुत ज़्यादा सैर करनी शुरू कर देते हैं, तो ज़्यादा सैर करना भी जो है घुटनों के दर्द में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो आज मैं आपके साथ यही डिस्कस करूंगी कि ज़्यादा सैर करने के कारण भी जो है क्या दिक्कतें पेशेंट को देखने को मिल सकती हैं। तो अगर हम घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं तो हमें जो है घुटनों में दर्द रहेगा, साथ के साथ स्वेलिंग जो है बहुत ज़्यादा घुटनों में आनी शुरू हो जाती है। अगर हम सैर ज़्यादा करनी शुरू कर देते हैं या फिर हम ज़्यादा जो है वॉक करते हैं, अगर हम 15-20 मिनट सुबह जाके जो अगर सैर करनी शुरू कर देते हैं, तो उसके कारण जो है हमारे नीज पे जो है प्रेशर जो है ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो है हमारे लिगामेंट्स जो होते हैं, जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है उस पर जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने के कारण जो है घुटनों की समस्या और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो ज़्यादा सैर करने के कारण भी जो है घुटनों में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जब हमारे घुटनों में कोई दिक्कत या तकलीफ होती है तो हम जो है अपना पोस्चर जो है चेंज कर लेते हैं। हम अगर एक घुटने में दर्द है तो उस घुटने को बचाने के लिए हम जो है दूसरे घुटने का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो है फ्यूचर में जाकर दोनों ही घुटनों में समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब हम एक घुटने का इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे अगर दूसरा घुटना भी खराब होना शुरू हो रहा है तो समस्या जो है आगे जाके और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि घुटनों पे प्रेशर आपके बिल्कुल भी नहीं आएगा, उसके कारण जो है आपका पोस्चर जो है चेंज हो जाएगा, आप जो है थोड़ा झुक के चलने लग जाएंगे या फिर थोड़ा टेढ़े होके आप चलने लग जाते हैं, जिसके कारण जो है फ्यूचर में जाकर आपके जो जो आपके एंकल ज्वाइंट हो जाते हैं, जो आपके टखने होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ आप जो है झुक के अगर चलना शुरू कर देते हैं तो उसके कारण जो है आपकी स्पाइन में भी प्रॉब्लम हो जाती है। अक्सर आपने सुना होगा पेशेंट से कि मेरे घुटनों में दर्द है तो साथ साथ मेरी जो है कमर में भी दर्द रहना शुरू हो गया है। वो कमर का दर्द जो है हमारा पोस्चर चेंज करने के कारण हो जाता है। आपने कहीं देखा होगा पेशेंट कभी एक तरफ को झुक के चलते हैं, कभी दूसरी तरफ को झुक के चलते हैं, उनकी जो टांगे होती हैं वो सी की तरह अंदर को मुड़ जाती हैं, जिसके कारण जो है उनकी कमर में भी तकलीफ रहनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा कई लोग जो हैं बहुत ज़्यादा घुटने का ओवर यूज़ कर लेते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में अगर बात की जाए या फिर रनिंग जो बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनमें भी जो है रनर नी की प्रॉब्लम आ जाती है, उसके कारण भी जो है कई बार इंजरी लगने के कारण या फिर घुटने का ओवर यूज़ करने के कारण भी जो है घुटनों में दर्द स्वेलिंग रहनी समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई बार जो है इंजरी होने के कारण या फिर कहीं चोट लगने के कारण जो है हमारे जो घुटने में लिगामेंट्स होते हैं, जैसे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हो जाता है या फिर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हो जाता है, तो इनमें जो है टियर हो जाता है, तो लिगामेंट के टूट फूटने के कारण भी जो है घुटने में दर्द स्वेलिंग और चलने में तकलीफ रहनी शुरू हो जाती है। तो घुटने का जो है एक लिमिट तक ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको घुटनों की दर्द की समस्या है तो आप जो है सैर वगैरह थोड़ा अवॉइड कीजिए। अगर आप हल्की हल्की सैर करना चाहते हैं तो 5 से 7 मिनट जो है बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। अगर आप 20-25 मिनट की लगातार सैर करते हैं तो वो भी आपके घुटने का जो है ओवर यूज ही हो रहा है, और उसके कारण जो है आपके ग्रीस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जो फ्लूड होता है ज्वाइंट्स में उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और आपकी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगी। तो आप जो है हल्की हल्की सैर जो है आपको प्रिस्क्राइब करी जाती है, आप जो है थोड़ा रेस्ट मोड पे ज़्यादा रहें, ज़्यादा घर पे जो है अगर आप रहते हैं तो रेस्ट ज़्यादा करें। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर शारदा में जो है अगर अपने घुटने का इलाज कराना चाहते हैं तो हम जो है आपको थोड़ा डाइट चाइट जो है प्रिस्क्राइब करेंगे। आपको थोड़ी डाइट अपनी चेंज करनी पड़ेगी, कुछ सिकाई जो है आपको बताई जाएगी और अपने घुटने के दर्द से आप निजात पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है हॉस्पिटल में विजिट करना चाहते हैं तो हमारी 4 ब्रांचेज हैं, मोहाली, मुक्तसर, बठिंडा एंड लुधियाना में। आप जो है हमारे से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हैं। अगर आपको टीयर की प्रॉब्लम है, अगर आपका लिगामेंट टीयर हो गया है तो उसका भी जो है हम जो है इलाज करते हैं, और लिगामेंट को पहले जो है रिपेयर करने की मेडिसिन दी जाती है, मसल्स को जो है स्ट्रॉन्ग करने की मेडिसिन दी जाती है, जो फर्दर जाके आपको काफ़ी रिलीफ देगा। क्योंकि अगर आप एलोपैथी में जाते हैं तो आपको जो है पेन किलर्स खाने पड़ेंगे। एक दिन आप पेन किलर खाते हैं, आप 2-3 दिन ठीक रहते हैं और 2-3 दिन बाद जो है आपको फिर से दोबारा पेन किलर लेना पड़ता है।
तो रेगुलर अगर आप पेन किलर पर डिपेंड हो जाते हैं तो फर्दर आपकी लीवर किडनी पर भी इफेक्ट हो सकता है। तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है अपनाएं, उससे जो है आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपकी बॉडी और आपके जो ऑर्गन्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। नमस्कार।